इस मूवी का नाम है ए डेंजरस मेथड, जिसमें कि एक डॉक्टर को अपने ही पेशेंट से प्यार हो जाता है। अब ये डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ आगे क्या क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग देखते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक सबरीना नाम की एक लड़की को कहीं पर ले जा रहे थे। सबरीना को एक बीमारी थी जिसमें ये एक साथ कई लोगों की नकल करती थी। अब क्या मतलब ये चंद्रमुखी की तरह एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि चंद्रमुखी में भी यही बीमारी थी। अब ये मत कहना आपने चंद्रमुखी मूवी नहीं देखी। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर कार्ल को, जो सबरीना के मेन डॉक्टर थे, ये उसका ऑपरेशन करने वाले थे। हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं साइकोपैथ भी थे, तो वो साइकोलॉजी के थ्रू इस लड़की का ऑपरेशन करने वाले थे। डॉक्टर कार्ल उस लड़के के पीछे बैठ जाते हैं और उसे अपने पास्ट के बारे में पूछते हैं। ब्रीना उनको बताती है अपने फादर के बारे में, जिनसे वो कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती थी। जैसे भी वो कुछ गलतियां करती थी तो फादर उसके घट पे मारते थे, जिससे उसे पहले तो गुस्सा आता था पर बाद में उसे ये सब पसंद आने लगा। हम देखते हैं कि डॉक्टर कार्ल सबरीना को अपने घर पर लाते हैं डिनर करवाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर कार्ल को जो सबरीना थे वो कुछ पसंद आने लगी थी। अब अगले दिन डॉक्टर कार्ल सबरीना के पास आता है और उसे उसके अपडेट्स के बारे में पूछता है, यानी कि अब वो कैसी है, उसकी हालत कैसी है। वो उसे बताती है कि उसे उसके फादर की याद आ रही है, क्योंकि जब उसके फादर उसे पीछे मारते थे उसके बट पे, वो चीज़ जो थी वो सबरीना को मिस हो रही थी। अब यहाँ पर उसके जो फादर थे, मैं आपको बता दूँ, उनकी कुछ साल पहले डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसको ये बीमारी अब होने लगी। लोग देखते कि जो सबरीना थी उसके बीच में इस बीमारी के फिर से सिम्टम्स होने लगे थे, पर ऑल इन ऑल जो सबरीना की बीमारी थी वो 50% डॉक्टर की, यानी कि डॉक्टर कार्ल की तकनीक से कट चुकी। हम देखते हैं कि जो डॉक्टर कार्ल थे वो अपनी वाइफ को लेकर एक जगह पर डिनर करने के लिए जाते हैं और वो अपने ही एक हेड डॉक्टर के पास ये सब डिनर करने के लिए जाते हैं। डिनर के वक्त डॉक्टर कार्ल अपनी वाइफ को अंदर भेज देते हैं अपने हेड डॉक्टर की वाइफ के साथ, और वो उनसे बातें करते हैं उस टेक्निक के बारे में, जिस टेक्निक के द्वारा जो डॉक्टर कार्ल थे वो सबरीना का ऑपरेशन कर रहे थे। अब दोस्तों ये जो टेक्निक थी वो डॉक्टर कार्ल ने अपने ही हेड डॉक्टर से सीखी थी। अब ये लोग, इन लोगों को पहले तो अनडिफाइंड था कि जिस टेक्निक से लोग इलाज करेंगे उस टेक्निक से कोई ठीक हो भी पाएगा, पर फाइनली डॉक्टर कार्ल ने कर दिखाया था और वो उस टेक्निक से सबरीना को ठीक कर रहे थे, और उन्होंने फाइनली सबरीना की 50% जो प्रॉब्लम थी वो काट चुके थे। अब हम लोग देखते हैं डॉक्टर कार्ल को जो सबरीना के साथ फिर से कुछ सैर करने के लिए निकलते हैं, उनके कुछ पास्ट की बातें पूछते हैं। सबरीना फिर से थोड़े से गुस्से से में आ जाती है, पर वो जो डॉक्टर कार्ल थे वो उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। अब हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि हेड डॉक्टर ने डॉक्टर कार्ल के पास भेजे थे। ये जो आदमी थे ये भी एक पेशे से एक डॉक्टर थे, पर इनको क्या प्रॉब्लम थी कि इनको जो सेक्स करना था वो इनकी मेन प्रॉब्लम थी। ये लोग किसी के साथ भी चेप हो जाते थे और किसी के ऊपर भी हमला कर देते थे उसका सेक्स करने के लिए। हेड डॉक्टर ने इस पेशेंट को डॉक्टर कार्ल के पास इसलिए भेजा था क्योंकि उनको लगने लगा था कि डॉक्टर कार्ल ही हैं जो इस तकनीक से लोगों को ठीक कर सकते हैं। अब डॉक्टर कार्ल उस आदमी से उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि मैं जब भी किसी लड़की को देखता हूँ तो मेरे अंदर पता नहीं क्या होने लगता है, मेरा उसका साथ रेप करने का मन करता है। अब हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर कार्ल को, जिनको थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा था उस लड़की के साथ, अब जो वो पेशेंट होता है वो डॉक्टर से कहता है कि तुम जाकर उसे कह क्यों नहीं देते, यानी कि जो पेशेंट था वो डॉक्टर कार्ल से कहता है कि तुम उस लड़की को बता दो कि तुम उससे प्यार करते हो, पर डॉक्टर ये सब चीज़ ऐसे खुले में नहीं कहना चाहते थे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, कुछ दिन बीतते हैं, डॉक्टर कार्ल अपने कैबिन में बैठे हुए थे, तभी हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं कार्ल, उनको खबर मिलती है कि वो जो पेशेंट था वो भाग चुका है, और वो यहाँ से डॉक्टर की वजह से नहीं भागा था, अपने फादर की वजह से भागा था। डॉक्टर कार्ल के लिए वो चिट्ठी भी छोड़ के गया था कि अब तुम्हें उस लड़की से बोल देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। अब डॉक्टर कार्ल सबरीना के घर पर जाते हैं और उसके साथ इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होते होते वो उन्हें बता भी देते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अब अगले दिन हम डॉक्टर कार्ल और सबरीना को एक बोट पे देखते हैं, जहाँ पर ये लोग एक संदिग्ध हालत में पड़े हुए थे। दोस्तों अब हम लोग हेड डॉक्टर को देखते हैं जो कि सबरीना के पास आता है और उसे इस उनकी जो बीमारी थी उसकी अपडेट पूछता है कि अब वो कैसी है। अब वो उससे मिलने के बाद डॉक्टर कार्ल के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो सबरीना है वो अभी भी 100% ठीक नहीं हुई है, उसमें अभी भी उस बीमारी के कुछ सिम्टम्स हैं। अब डॉक्टर कार्ल उनको बताते हैं कि सर देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्योंकि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं, डॉक्टर कार्ल अपने हेड डॉक्टर के साथ आते हैं एक पार्टी करने के लिए, तो वो लोग बोट के सहारे एक सी वे से जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर जो कार्ल होते हैं उन्हें पता पड़ता है कि जो हेड डॉक्टर है वो उन्हें बताते हैं कि आजकल शहर में क्या अफवाह चल रही है कि एक लड़की है वो तुम्हारे और जो सबरीना है उसके प्यार के पर्चों को बांट रही है, और वो बता रही है लोगों को कि तुम्हारे उसके बीच अफेयर चल रहा है। अब यहाँ पर डॉक्टर हेड डॉक्टर को ये तो पता नहीं था कि जो डॉक्टर कार्ल है उन्होंने इंटीमेट भी हुए हैं सबरीना के पास, वो उनको ये पता था कि उसके बीच में कुछ रिलेशनशिप चल रही है। यहाँ पर जो सबरीना है उसे जब ये बात पता चलती है तो वो दोस्तों एक
धक्के से में रह जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर कार्ल थे उनके वाइफ को भी ये बातें पता चल चुकी थी कि उनका जो अफेयर है वो उनके एक पेशेंट सबरीना के साथ चल रहा है, पर डॉक्टर कार्ल उनको मना करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ एक अगवा है जो कि मेरे दुश्मन इस शहर में फैला रहे हैं। अब हम देखते हैं डॉक्टर कार्ल को जो सबरीना के पास आते हैं और सबरीना उनसे सारी सिचुएशन के बारे में पूछती है कि डॉक्टर ये कैसी अफवाह इस शहर में फैल रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता सबरीना ये सब क्या है, क्योंकि उस दिन जो हमारे बीच हुआ वो हम दोनों की रजामंदी से हुआ था और हम नहीं चाहते थे कि आपस में कोई ऐसी रिलेशनशिप रखें। अब हम लोग देखते हैं सबरीना को जो डॉक्टर कार्ल के हेड डॉक्टर को एक लेटर लिखते हैं कि वो डॉक्टर कार्ल को पसंद करती है। अब यहाँ पर हेड डॉक्टर को भी शक होने लगा था, तो वो कार्ल को लेटर लिखते हैं इस सारी चीज़ों के बारे में बताने के लिए, जिसके जवाब में कार्ल उनसे कहता है कि वो मेरी सिर्फ एक पेशेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब डॉक्टर को भी ये शक होने लगता है, उनका जो शक था वो सही हो जाता है कि कार्ल का उसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। अब डॉक्टर यहाँ पे सबरीना को एक लेटर लिखते हैं और उनको बताते हैं कि तुम झूठी हो और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें डॉक्टर कार्ल क्लेम करते हैं। अब हम कुछ दिन बीत जाते हैं, हम लोग सबरीना को देखते हैं जो डॉक्टर कार्ल के पास आती है और यहाँ पर वो देखते हैं कि जो कार्ल था वो अपनी वाइफ को लेकर यूरोप जा रहा था और वो शहर को छोड़ के जा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं सबरीना कार्ल को पूछती है कि तुमने डॉक्टर से ये क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और वो सब चीज़ क्या थी जो हमने उस रात करा था, पर वो उस बात का जवाब नहीं देता। और कुछ दिन बीत जाते हैं, इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबरीना है वो यहाँ पर यूरोप आई हुई थी वहाँ पर डॉक्टर कार्ल से मिलने के लिए, और वो उनकी वाइफ के साथ बैठी होती है और उनको बताती है कि मैंने एक रशियन से शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। अब कुछ देर यहाँ पर जो सबरीना है वो एमा से बात करती है और उनसे फिर कहती है कि मैं तो कार्ल से बात करना चाहती हूँ कुछ देर के लिए, क्योंकि जब से वो यहाँ पर गए हैं मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। यहाँ पर जो सबरीना होती है वो कार्ल से बातें करती है और उन्हें बताती है कि मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में जो बेबी है वो तुम्हारा है, यानी कि वो एमा से भी झूठ बोलती है। और इसी के साथ ये मूवी दोस्तों यहाँ पर एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए।